इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के नाम से कि आम रहम वाला कमाल रहम वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ गुड बाय मिस्टर चिप्स विच इज़ रिटन बाय जेम्स हिल्टन। ये जेम्स हिल्टन की तसनीफ है, याद रखना है आपने। ओके, सो टुडे वी स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर एंड द पार्ट वन ऑफ चैप्टर वन। सो लेट्स कंस्ट्रू, लेट्स रीड। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, सो व्हेन यू आर, सो स्टूडेंट गेटिंग ऑन इन ईयर्स, I will make a rectangular shape on it. So getting on in years means getting old, aging, A-G-I-N-G. So जब आप बूढ़े हो रहे हों तो क्या होता है students? But not ill of course, लेकिन आप बिलाशुबा बूढ़े ना, बीमार ना हों, बूढ़े हो रहे हों लेकिन बीमार ना हों तो क्या होता है? You get very sleepy at times. So कभी कभी, at times क्या होगा? वक्फे वक्फे से। Occasionally, at times means occasionally. So क्या होगा आपको? कभी कभी you get very sleepy होगा, and hours seem to pass like lazy cattle. और वक्त, hours यहाँ पे है time, और time कैसे गुजरेगा? Lazy cattle की तरह। कौन से lazy cattle? That are moving across a landscape, जो किसी landscape होता है vista, V-I-S-T-A, vista, or पैनोरामा, पी ए एन ओ आर ए एम ए, पैनोरामा। सो जैसे किसी कुदरती मंजर, यानी मंजर बहुत बड़ा होता है और जानवर धीरे धीरे से आहिस्ता आहिस्ता से वहाँ से गुजर रहे हों और वहाँ से बहुत लेजीली गुजरते हैं, इसी तरह वक्त लेजीली गुजरता है। किन लोगों का? जो बूढ़े हो रहे हों लेकिन नॉट एल ऑफ कोर्स, बीमार ना हों। नेक्स्ट आगे, इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स, ये चिप्स के लिए भी यही सूरत हाल थी। कब? एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड, जैसे ही मौसम खजां की टर्म यानी तालीमी सेशन जो था, तालीमी साल जो था, समाही कह लें, तालीमी समाही, प्रोग्रेस्ड एडवांस्ड गुजरी, तो क्या हुआ तब? सो प्रोग्रेस्ड का मतलब क्या हुआ मूसा? एडवांस्ड। एंड द डेज शॉर्टन्ड, और जो दिन थे वो भी मुख्तसर हो गए, इख्तसार पकड़ गए। टिल इट वॉज एक्चुअली डार्क इनफ टू लाइट द गैस, यहाँ तक कि इतना तरीकी हो जाती, इट वॉज एक्चुअली डार्क इनफ, इतनी तरीकी हो जाती, कितनी? टू लाइट द गैस। स्टूडेंट पहले जो लैम्प थे उस दौर में, चिप्स के दौर में, ये 1840 का ज़माना है, क्लियर? सो तब लैम्प गैस से चलते थे, क्लियर? अभी भी कुछ ओल्ड मॉस्क्स वगैरह में गैस लैम्प लगे हुए हैं, चाहे वो चलते हैं या नहीं चलते। सो टू लाइट गैस बिफोर कॉल ओवर, सो कॉल ओवर क्या होगा? अटेंडेंस, हाजिरी, रोल कॉल। सो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉल ओवर। सो नेक्स्ट, फॉर चिप्स, क्योंकि चिप्स जो था लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, किसी बूढ़े बहरी जहाज के कप्तान की तरह, स्टिल मेजर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, अभी भी माजी के इशारों से, सिग्नल्स यानी साइंस, जैसे तारे सूरज देख के बता देना, चांद देख के कि इस वक्त रात का या दिन का कितना वक्त हुआ है, सो उनकी तरह वक्त मेजर करता था। एंड वेल ही माइट, और हाँ उसे वक्त इसी तरह मेजर करना भी चाहिए, उसका बनता भी है। फॉर ही लिव्ड एट मिसिज विकेट्स, क्योंकि वो मिसिज विकेट के यहाँ रहता था। तो याद रख लो, ये किराए के मकान पे रहता है और उसकी लैंड लेडी यानी किराए के मकान की जिसमें रहता है, उसकी मालकन जो है वो मिसिज विकेट्स है, मोहतरमा खिड़की। ओके, सो एट जब आया तो उसके बाद अपोस्ट्रोफी ऐसा, यानी उसके हाँ, मिसिज विकेट के हाँ की इंग्लिश क्या हुई? एट मिसिज विकेट्स। सो जस्ट, वो कहाँ रहती थी? जस्ट अक्रॉस द रोड, सड़क के पार फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से। सो स्कूल के सामने सड़क, सड़क के पार मिसिज विकेट थी। तो स्टूडेंट ये नॉवल जो है एक टीचर की लाइफ पे है और ये स्टार्ट हो रहा है रिटायरमेंट से। सो मिस्टर चिप्स जो है इसके मरकजी किरदार हैं, इसके प्रोटैगनिस्ट हैं, हीरो हैं इस नॉवल के, क्लियर? तो अभी रिटायरमेंट के बाद वो एक औरत के साथ रह रहे हैं जो कि खुद भी विडो है, सो बेवा है। ओके, सो उसके पास ये गया, इसका कोई लेना देना नहीं, जस्ट वो इसकी लैंड लेडी है। सो ही हैड बीन देयर मोर देन अ डेकेड, पता चला इसे रिटायर हुए अभी तक, जो नॉवल स्टार्ट हो रहा है, एक डेकेड यानी 10 साल गुजर चुके हैं। सो डेकेड इज़ अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स भी हो सकता है, 10 सेंचुरीज भी हो सकती है, अ सेट ऑफ 10 भी हो सकता है। सो एवर सिंस, जब से ही फाइनली गेव अप हिज
मास्टरशिप। सो स्टूडेंट यहाँ पर मास्टरशिप क्या होगा, हिज टीचिंग। सो जब से उसने टीचिंग छोड़ी है तो वो छोड़कर सीधा रिटायरमेंट के बाद गया भी है तो मिसिस विकेट के पास गया। सो दैट्स वाई जब वो गया तो मिसिस विकेट ने कहा कि जहाँ कहीं भी गया तो लौटा तो मेरे पास आया, बस यही एक अच्छी बात है मेरे हर जाई की। सो दैट्स द फनी पार्ट ऑफ इट। सो एंड इट वॉज ब्रूकफील्ड फार मोर देन ग्रीनिच टाइम। सो ये पाकिस्तान इंटर दुनिया का जो हम फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनिच असल में इंग्लैंड में एक एरिया है। ओके सो वहाँ पर सोलर जो सूरज की मदद से, जैसे हमारे साइंस म्यूजियम में एक क्लियर टाइम क्लॉक लगा हुआ है पेंडुलम, तो उसकी मदद से जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनिच टाइम से नाम, ये ग्रीनविच नहीं कहना ग्रीनिच टाइम है, दैट बोथ ही एंड हिज लैंड लेडी कैप्ट। सो यहाँ पे पता चला है कि वो ग्रीनिच टाइम को फॉलो करते थे वो भी और उसकी लैंड लेडी भी। ओके सो मिसिज विक हेट चिप्स वुड सिंग आउट यहाँ पे कॉल्ड आउट, पुकारता इन अ जर्की वॉइस, शेकी वॉइस, बूढ़ा आदमी इन्हें जैसे मिसिज विकेट, तो जर्की उसकी शेकी आवाज़ थी, SHAKY। ओके शेकी, जर्की मीन्स शेकी। सो पैल्पिटेटिंग PALPITATING पैल्पिटेटिंग, कांपती हुई आवाज़ में वो कहता मिसेज विकेट, हाई पिच्ड होती उसकी पिच, हाई होती थी वॉइस यानी उसकी श्रिलनेस ज़्यादा होती थी। दैट हैज स्टिल गुड डील ऑफ यानी अलॉट ऑफ स्प्राइटलीनेस, अभी भी उसके अंदर लाइवलीनेस थी। स्प्राइटलीनेस क्या होगी, लाइवलीनेस यानी जिंदा दिली थी, जिंदगी अभी उसमें थी, लाइफ थी उसके अंदर, अभी भी जोश था। तो क्या कहता वो, तो पीछे से कोटेशन कंटिन्यूड है, मिसेज विकेट यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप। सो मिसेज विकेट क्या मेरे क्लास लेने, प्रेप यानी प्रेपरेटरी क्लास जो इसने पढ़ानी है उसके लेने से पहले क्या एक चाय का कप लाएंगी, विल यू, तो यहाँ पे टैग क्वेश्चन है, तो क्या आप लाओगी। सो अब देखते हैं कि वो इसकी बात मानती है या नहीं, ऑफ कोर्स मानेगी, लैंड लेडी को देखो काम पे लगाया हुआ माशाल्लाह। सो शहरोज की तरह के, सो व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, जब आपकी उम्र ज़्यादा हो रही हो, उम्र रसीदा हो रहे हो, बूढ़े हो रहे हो, इट इज़ नाइस टू सिप बाय फायर, तो आग के पास बैठना अच्छा लगता है, एंड ड्रिंक अ कप ऑफ टी, और चाय का कप पीना, एंड लिसन टू द स्कूल बेल, और स्कूल की घंटी को सुनना, ख़ास तौर पर जब आप एक टीचर हो। साउंडिंग डिनर यानी कॉलिंग फॉर डिनर, वो बेल किस लिए बज रही है, साउंडिंग यानी बज रही होगी। ओके सो बेल रिंगिंग फॉर डिनर, कॉल ओवर हाजिरी के लिए, प्रेप क्लास के लिए, एंड लाइट्स आउट और बत्तियाँ बंद करने के लिए। लाइट्स आउट क्या होती है, रोशनियाँ बंद कर देना, चिराग गुल कर देना। सो पता चला कि वहाँ पर स्कूल की बेल जो है वो डिनर के लिए बजती थी, हाजिरी के लिए, क्लास के लिए और बत्तियाँ गुल करने के लिए। सो चिप्स ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक, चिप्स घड़ी को चाबी देता। वाइंड अप वाउंड अप क्या होता है, वाउंड अप वाउंड होगा जख्म, वाइंड वाउंड वाउंड द क्लॉक आफ्टर दैट लास्ट बेल, हर आखिरी घंटी के बाद वो अपनी घड़ी को चाबी देता। Then put the wire guard, और फिर वो wire guard यहाँ पर क्या है, in front of the fire, आग के सामने, ये जाली थी। ओके ताकि आग की कोई चिंगारी जो है उड़ के इसकी कुर्सी टेबल कपड़ों पे ना लग जाए। और turned out the gas, और गैस को यानी लैम्प को बंद कर देता, गैस लैम्प को, जिस तरह हम स्टडी कहते हैं, स्टडी क्या होता है, पढ़ाई तालीम पढ़ना, नो स्टडी कमरा या मुतालिया भी होता है। ओके सो एंड कैरीड, और जब सोता था तो अपने साथ क्या लेता, अ डिटेक्टिव नॉवल, कोई जासूसी नॉवल लेता टू बेड यानी सोते वक्त। ओके सो नेक्स्ट, रेयरली डिड ही रीड मोर देन अ पेज ऑफ इट। स्टूडेंट जब हम जुमला रेयरली से स्टार्ट करें, हार्डली से करें, ओनली से करें, ओनली व्हेन से करें, तो उसके बाद हमने क्या लिखना है, वर्ब। सो डिड या हैड, ओके या डज। सो ही रीड मोर देन अ पेज, बमुश्किल एक वर्क का ही, एक वर्क एक पेज एक सफ़ा ही पढ़ता था, क्लियर, सफ़े से ज़्यादा ही नहीं पढ़ता था। दैट ऑफ इट बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली एंड पीसफुली, नींद बड़ी जल्दी से और उस पर पुरअमन तरीके से गलबा पा लेती। मोर लाइक अ मिस्टिक, एक मिस्टिक यानी सूफी की तरह, सेंट की तरह, SAINT। सो स्टूडेंट मिस्टेक क्या होगा, सेंट, कोई दरवेश या सूफी हो जो इंटेंसीफाइंग ऑफ परसेप्शन क्या कर रहा हो, जैसे वो किसी हकीकत का अदराक कर रहा हो,
जैसे वो इस्तगराक में चला गया हो, मुराकबे में चला गया हो, इंटेंसिफाइंग अ परसेप्शन देन